तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि फेसबुक का नाम चेंज होकर अब मेटा कर दिया है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा क्यों किया है? अब देखो, जो फेसबुक पेरेंट कंपनी है उसी का प्रोडक्ट है फेसबुक वेबसाइट, फेसबुक ऐप, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप। ये चारों ऐप फेसबुक के द्वारा ही पावर्ड है। यहां मैं फेसबुक वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक ऐसा पेरेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, और उसी फेसबुक पेरेंट कंपनी का नाम चेंज करके अब मेटा कर दिया है। जब इसी कंपनी ने मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में और पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया था, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन 10,000 से ज्यादा लोग यूरोपियन यूनियन से लिए जाएंगे और अलग अलग जगह से लिए जाएंगे, जो मेटावर्स को बनाने में हेल्प करेंगे। और अगर किसी को नहीं पता कि ये मेटावर्स होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके का डिजिटल वर्ल्ड होता है जो कि इंटरनेट पे होता है, जिसको आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे वीआर हेडसेट से विजिट कर सकते हो और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट्स लाइक एन क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड डिजिटली ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक वीआर हेडसेट्स, सर्वर्स, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड स्टफ्स लाइक दैट। और ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया होगी। जब आपको आपके दोस्त से मिलना होता है तो आप क्या करते हो? आप ट्रेवल करते हो, बाइक से करोगे, ट्रेन से करोगे, चाहे बस से करोगे, या कभी कभी पैदल भी जाना पड़ता है। लेकिन जब आपको मेटावर्स में अपने दोस्त से मिलना होगा तो आपको एक URL टाइप करना होगा या फिर कोड होगा तो उसको स्कैन करना होगा। जब आप उसको स्कैन करोगे तो आप अपने दोस्त के घर पहुंच जाओगे, वो भी डिजिटली, जो कि उसका डिजिटली एड्रेस होगा या घर होगा। और अगर कोई इंसान उस मेटावर्स में एक बार घुस जाएगा तो उसको जो सारी चीजें दिखेंगी, पूरा डिजिटल वर्ल्ड जो दिखेगा, वो हूबहू रियल वर्ल्ड जैसा ही दिखाई देगा। ये सारी चीजें मशीनरी होगी, लेकिन सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक होगी। मार्क जुकरबर्ग ने अपना पूरा एक स्पीच दिया था, लगभग 1 घंटे का होगा, उन्होंने उसमें यही कहा कि ये जो सारी चीजें होगी ये एक फ्यूचरिस्टिक चीजें होगी, और हमारी चीजें में ये सारी चीजें हो रही है तो हमें जिसकी वजह से फेसबुक का नाम चेंज करना पड़ेगा। एक बात ये भी है कि जो फेसबुक है आजकल उसके दिन वैसे ही खराब चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो आउटेज हुआ था वो सबसे बड़ा आउटेज जो है फेसबुक को ही झेलना पड़ा था। कि जो फेसबुक के जो एम्प्लॉय है वो खुद ही एक विसल ब्लोअर है, फेसबुक ऐप के ऊपर जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो उस चीज को और भी ज्यादा फैलाते हैं और भी ज्यादा उसको वायरल करते हैं, और वो उस चीज को अपने प्लेटफॉर्म से हटाते भी नहीं है। और ये सारी जो चीजें है मार्क जुकरबर्ग को भी पता है, और ये जो मेटावर्स लेकर के आ रहे हैं इससे ये लोग क्या करना चाहते हैं कि ये एक अलग ही अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहते हैं, मतलब पूरा एक अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें सारी चीजें होती है, सब लोग आपस में मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? एक VR हेडसेट के थ्रू मिलेंगे, जिसमें आप एकदम अच्छे से मैच कर सकते हो रियल लाइफ को। होगी रियल लाइफ से अलग, लेकिन रियल लाइफ से मिलती जुलती होगी। अब इसमें क्या बदल रहा है? इसमें खाली बस नाम बदल रहा है, मेटावर्स कर दिया है उसको। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, इन तीनों को मेटावर्स के अंदर ले सकते हैं। और अगर एक बार इन्होंने मेटावर्स के अंदर इसको ले लिया तो जो एक्सपीरियंस है फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को चलाने का वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छे तरीके से हम उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे VR हेडसेट के थ्रू। मतलब सारी चीज़ें हमें एक वर्ल्ड के जैसे दिखाई देगी, जैसे अभी हम अपने दोस्तों से रियल लाइफ में मिलते हैं, बातें करते हैं, सेम वैसा ही वो मेटावर्स में भी होगा। हम सारी चीज़ें करेंगे, हर काम करेंगे, सब लोग आपस से मिलेंगे, दोस्त एक दूसरे से मिल पाएंगे, भले डिजिटली मिल पाएंगे लेकिन एकदम रियल वर्ल्ड जैसा एक्सपीरियंस होगा, असल में वो रियल वर्ल्ड होगा नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।